शांति। आज की तारीख है 20/1/14। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, परंतु होता क्या है, कईयों में बहुत ही अच्छा अच्छा पहनने का, स्वयं को सुंदर दिखाने का, देह की सुंदरता में ही बुद्धि लगी रहती है कि किस रंग का वस्त्र, कौन सी स्टाइल या डिजाइन का वस्त्र मैं यदि धारण करूं तो मैं सुंदर दिखूं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा अच्छा पहना, देह को सुंदर बनाना और फिर भोजन खाना, जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें भी आसक्ति, ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, ये खाऊं वो खाऊं, बाबा के शब्दों में कहें तो खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। तो बाबा कहते हैं ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वनवाह में हैं, माना हम हर प्रकार से त्याग करने वाली बेहद की त्यागी आत्मा, वैरागी आत्माएं हैं। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? उत्तर है दान। जितना जितना दूसरों को ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुन करके धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो वो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। कायदे अनुसार माना हमें बाग कायदे अपनी रूहानी स्कूल में जाना है, अर्थात रूहानी बाबा के बने हुए केंद्र पर जाना है, या फिर किसी उपसेवा केंद्र या गीता पाठशाला या क्लास में जाकर के हमें पढ़ाई करनी है। और यदि वहाँ कोई भी स्थान नहीं सेवा केंद्र का या पढ़ाई के लिए, तो फिर अपने ही घर के अंदर स्वयं को टाइम फिक्स करके, जैसे रोज सवेरे सवेरे क्लास होती है ऐसे क्लास के लिए, पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकाल करके भी पढ़ाई करनी है। तो कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है, अर्थात योग भी करना है कायदे मुजब और मुरली भी कायदे मुजब रोज सुननी या पढ़नी है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, रूप बसंत बन, अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। नंबर 2 है, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। हाँ, बाबा ने हेडिंग में ही, शीर्षक में ही हम बच्चों ने सुने बाप दादा के महावाक्य। तो बाप दादा कहते हैं खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी बनाना है। वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि, क्योंकि पवित्रता बिगर तो दृष्टि शक्तिशाली नहीं हो सकती। तो पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि और वृत्ति के द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख और दर्द को तो समाप्त कर देती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है।
ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों को सामने क्या करते हैं भक्त, ओ दयालु दया करो कह कर के दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। स्लोगन है, समय की समीपता के प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।